हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रहे हैं बहुत प्यारा और खूबसूरत सा डिज़ाइन जिसके लिए मैंने यहाँ पे देखे इस ये फेदर टाइप का ऊल है तो इसमें देखिए इस तरीके का ये ऊल है ठीक है तो इससे हम बनाएंगे बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन तो यहाँ पे मैंने एक कलर डार्क ले लिया है और यहाँ पर आपके पास जो भी छोट थोड़े थोड़ा सा कलर बचा हुआ हो आप इसे आसानी से बना सकते हैं तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से फंदे डाल रखे हैं मतलब किनारे की साइड में इसको इस्तेमाल करूँगी ठीक है और बहुत प्यारा सा डिजाइन बन के रेडी होगा तो चलिए बनाना स्टार्ट है करते हैं देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से फर्स्ट रो से आपको इस तरीके से बनाना है सेम प्रोसेस में ठीक है देखिए यहाँ पे एक ठीक है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्योंकि ये जो फंदे होते हैं ये पता नहीं चलता ये फंदे हैं कहाँ पे तो इसमें आपको फंदे काउंट करके ही बनाना है ताकि आप आसानी से बना सकें और आपका फंदा कोई भी एक फंदे में दो फंदे ना जाए ठीक है तो इस तरीके से देखिए एकदम लूज हाथ में बनाना है ठीक है तो यहाँ पे देखें यहाँ पे किनारे की साइड मैंने नौ फंदे ले रखे हैं और ये चालीस फंदे का डिज़ाइन है ठीक है तो इस तरीके से आपको लेने होंगे चालीस फंदे तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से किनारे का फंदा आगे की साइड इसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे इस तरीके से लेंगे ठीक है एक नौ फंदे ये हुए दस और देखिए यहां पे ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस एकतीस बत्तीस तैतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस और यहाँ पे देखें इस तरीके से चार फंदे यहाँ पे एक साथ में चार फंदे छोड़ेंगे ठीक है और यहीं से पलट लेंगे यहाँ पे मैं पतली कलियाँ बनाऊंगी तो इस तरीके से चार फंदे छोड़ेंगे ठीक है तो यहाँ से पलट देंगे सीधी साइड से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह देखिए यहाँ पे पंद्रह सोलह इस तरीके से सभी फंदे बुनेंगे तो न्यू है तो प्लीज लाइक शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वे लाइकन को ऑल पे सेट कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप डेली एक वीडियो देख सके ठीक है तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे सभी फंदे बुनेंगे ठीक है ब्लू कलर के जितने भी फंदे हैं एक साथ में बुनेंगे अब पलट देंगे और यहां से इस धागे को आगे की साइड लेंगे ठीक है अब एकदम लूज हाथ से बनाते हुए टाइट नहीं करेंगे फंदों को दो तीन चार पांच छे सात आठ ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा आराम से बनाएंगे आठ और नौ ठीक है और यहीं से पलट देंगे इस तरीके से आप देखिए इसी तरीके से ये नाइन फंदे हमारे बराबर चलते रहेंगे इसमें ना ही इधर कोई घटाना है ना ही इधर कोई बढ़ाना है ठीक है ऐसे ही चलाएंगे और नीचे की साइड से हमें चार चार फंदे छोड़ते जाना है ठीक है हर रो में चार चार फंदे छोड़ते जाएंगे आप देखें इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक दो तीन चार चार करके इस तरीके से देखें सभी फंदे यहाँ पे यहाँ तक कि छोड़ दिए उसके बाद देखिए अब यहाँ पे क्या करना है इस तरीके से किनारे का फंदा ये वाला उतारना है और नेक्स्ट फंदे से दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ ठीक है नाइन फंदे बुनने हैं इस तरीके से आप देखें यहां पे, यहां पे इस कलर को यहीं पे कट करेंगे ठीक है यहां पे कट करने के बाद यहां से लगाएंगे देखिए रेड कलर का धागा इस तरीके से एक और यहां पे एक नोट लगा देंगे ठीक है इस तरीके से यहाँ पे एक नोट लगानी है इसके बाद देखें यहां पे, इस तरीके से जो रेड कलर है इसे हम रेड कलर को रेड कलर से बुनेंगे देखिए ब्लू वाले रेड से बुनेंगे ठीक है यहाँ पे आपको ध्यान देना है सभी फंदे रेड से बुनने हैं ठीक है ये देखिए उल्टी साइड से मैंने एक रो बना ली कंप्लीट उसके बाद देखिए यहां पे सीधी साइड से इसे कंप्लीट करना है इस तरीके से सीधी साइड से कंप्लीट करेंगे ठीक है अब ये देखें सीधी साइड से मैंने इसकी रो कंप्लीट कर ली अब यहाँ ये वाला धागा इसी कलर से ऐसे ही बनाना है ठीक है ये हमारे किनारे के नाइन फंदे हैं तो नाइन फंदे सेम प्रोसेस में बनाते जाना है राउंड ठीक है ये देखें यहाँ से पलट देंगे आप देखें यहाँ से इस तरीके से फिर से अब इसे आगे की साइड फोल्ड करते हुए यहाँ पे रेड कलर के सभी फंदे बुनेंगे ठीक है नीचे की साइड जाएंगे नीचे से चार फंदे में फर्स्ट रो जैसे छोड़ने हैं ये यह देखें यहाँ पे सभी फंदे इस तरीके से बुनाई करनी है ठीक है अब यहाँ पे नीचे की साइड पे चार फंदे हमें छोड़ देने हैं और इसी तरीके से चार चार फंदे छोड़ते हुए हमें ऊपर की साइड जाना है जहाँ तक कि हमें चार चार फंदे छोड़ने हैं ठीक है थीके? तो आप देखें इस तरीके से यहाँ पे मैंने चार फंदे फिर से छोड़े इसी तरीके से चार चार इस तरीके से छोड़ते हुए ऊपर की साइड आना है जैसे ये पत्ती बनाई है वैसे ही नेक्स्ट पत्ती बनानी है इसी तरीके से बार बार बनाते जाएंगे और हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होगा तो ऐसे ही बना लेते हैं फिर दिखाते हैं